हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओजोन किचन। तो क्या है आज नया? आज है नया ये कि ओजोन किचन ने जो नवरात्रि स्पेशल सीरीज में आप लोगों के लिए एकदम व्रत में खाने वाली यमी रेसिपी जो लाए थे हम, उसका आज करते हैं अंत, यानी कि आखिरी रेसिपी नवरात्रि स्पेशल सीरीज की। और वो चढ़ाएंगे हम माँ को भोग, जो हम हमेशा हर घर में बनते हैं, सूखे काले चने मसालेदार। तो मैं एक स्पेशल मसालेदार आपको काले चने बनाना सिखा रही हूँ यहाँ पर, जो कि आप बिना प्रसाद के भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत यम्मी रेसिपीज़ है। तो ये है हाफ के जी काले चने, जिन्हें मैंने होल नाइट भिगो के रखा था और सुबह नमक के साथ 4 से 5 इसे सीटी लगा दी। अब मैंने लिया है यहाँ एक मिक्सी का जार और यहाँ मैं एक स्पेशल मसाला रेडी करूँगी जिससे हमारे काले चने यमी बनेंगे। एक छोटी इलायची डाली है मैंने और आधी बड़ी इलायची, 4 लौंग डाले हैं और साथ ही ये है थोड़ी सी जावित्री और ये है छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और ये है चक्रफूल और छोटा सा हम लेंगे एक तेज पत्ता और ये है 1 टीस्पून जीरा भी डल गया है। और अब हम इसे मिक्सी में थोड़ा सा पीस देंगे। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बना है, बस ये दरदरा ही रखना है हमें इस तरह से। तो चलिए इसे निकाल देते हैं एक बाउल में। ये बताइए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं। तो नेक्स्ट प्रोसेस में आपको पता है ना क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा पूरा वीडियो देखकर। अब मैंने यहाँ एक ग्लास ले लिया है, ग्लास में डाल रही हूँ मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, अगर आपको काली मिर्च डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और यहाँ आधा टेबल स्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर और 1/4 टेबल स्पून लिया है अमचूर पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे वही मसाला जो हमने रेडी किया है, लगभग मैंने उसको डाल दिया है, 1/2 टेबल स्पून ले लिया था मैंने इसको 2 बार करके, और अब हमें इसे पानी के साथ मिक्स करना है अच्छे से। और पानी हमारा उतना ही डलेगा जितना कि इसमें एक पेस्ट बनाने के लिए चाहिए। ये देखिए इस तरह का पेस्ट बना, बढ़िया सा मसाला रेडी हो गया है। थोड़ी सी मैंने अदरक ग्रेट कर ली है और 1 लंबाई में हरी मिर्च काट ली है, लंबाई में इसलिए ताकि हम इसे निकाल सके जब हम कन्याओं को भोजन कराएं, और फ्रेश कोरिएंडर लिया है 1/2 बाउल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गैस का बर्नर कर दिया है ऑन और इसमें डाल दिया मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल और उसमें डाल दिया मैंने 1 टीस्पून जीरा। तो जीरा जैसे ही चटकने लगे उसके बाद में मैंने इसमें डाला है 2 टेबल स्पून देसी घी। जी हाँ, देसी घी माँ का प्रसाद है भाई, थोड़ा देसी घी बनता है। तो चलिए इसमें मैंने डाल दिए हरी मिर्च और अदरक का जो हमने ग्रेटेड किया था, कद्दूकस किया था उसे। जैसे ही हल्का सा अदरक गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तो मैंने इसमें डाल दिया है कड़ी पत्ता। स्टार्टिंग में कड़ी पत्ता डालने से वो जल जाते हैं, तो ये कड़ी पत्ता भी अच्छे से चटक गए हैं। और अब मैंने गैस का बर्नर बिल्कुल स्लो कर दिया है क्योंकि मैं डाल रही हूँ इसमें मसाला, और इस तरह का जो लाल मिर्ची और हल्दी और ये पेस्ट होता है वो बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए गैस की आंच को आपको धीमा कर देना है। और अब हम इसे भुनेंगे, लगभग 5 से 6 मिनट तक मैं इसे चलाते हुए भुनूंगी ताकि ये अच्छे से एकदम अपनी जो खुशबू और जो इसकी महक है वो पूरी तरह से निकल कर आ जाए और कच्चे मसाले की जो महक होती है वो चली जाए। तो सारे मसाले अच्छे से हो गए हैं, देखिए रेडी। यहाँ मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया ताकि उसका फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और अब मैं इसमें मिलाऊंगी 1/2 ग्लास पानी। तो उसी ग्लास में पानी डाल देते हैं जिसमें हमने मसाला रेडी किया था, ताकि उसके चारों तरफ जो लगा हुआ था वो भी निकल आएगा। और अब इसे एक बार और घुमा लेते हैं। ये देखिए कितना बड़ा बढ़िया एकदम, मतलब मसाला जो है रेडी हो गया है। तो चलिए मैं इसे लगा देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन, ताकि इसके अंदर सारे जो फ्लेवर है वो अच्छे से पक जाए और जो ऑयल है वो एकदम से, देखिए ऊपर से आ गया ना ऑयल। अब ये हमारा पूरा बढ़िया सा खुशबूदार मसाला जो है वो रेडी हो गया है। तो अब डालते हैं इसके अंदर उबले हुए नमक डाला हुआ, जो मैंने 4 से 5 सीटी लगा के रेडी कर दिए थे काले चने, वो मिला देते हैं। तो मुझे ये आप मैसेज करके बताइए कि आप लोगों ने भी इसी तरह के काले चने माँ के भोग के लिए बनाए या नहीं। वैसे ये बिना प्रसाद के भी हम बना के खा सकते हैं, बहुत यमी होते हैं। आप कभी भी किसी भी अवसर पर इसको पूड़ी के साथ में, या जो हम नॉर्मल काले चने की चाट खाते हैं उसके लिए भी इस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो देखिए मेरे ये हो गए हैं काले चने अच्छे से रेडी। अब मैंने इसमें लास्ट में डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार, सफ़ेद नमक का ही यूज़ किया है मैंने, आप चाहें तो सेंधा भी डाल सकते हैं, हालांकि माँ के भोग के दिन सेंधा नमक की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी नमक डाल सकते हैं।
तो चलिए इसे लगा देते हैं 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे ढक्कन, ताकि जो सारे मसालों का फ्लेवर है वो काले चने के अंदर तक समा जाए। 5 मिनट तक हमें इसे ऐसे ही रखना, ताकि पानी ड्राई नहीं हो जाए जो हमने डाला था। तो चलिए 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटाकर देखते हैं। वाओ, लग रहे हैं ना यम्मी, एकदम मसालेदार, बढ़िया सा मसाला जो हमने हाथों हाथ रेडी किया था और उसे अच्छे से पकाया था। ये देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं। तो भाई क्या बात की देरी है। तो चलिए अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और डाल देती हूँ जो हमने बनाया था। लगभग आधा टीस्पून मैंने इसमें और डाल दिया है, और थोड़ा सा हरा धनिया भी और डाल देते हैं गार्निशिंग के लिए। और इसे 2 मिनट का ढक्कन और लगा देते हैं, और फिर ये रेडी है खाने के लिए, नहीं भोग लगाने के लिए। तो फिर चलिए, ये देखिए, पहले मैं आपको इस कैमरे को नज़दीक करके दिखा देती हूँ कि ये कितने यमी लग रहे हैं। ये देखिए, है ना एकदम शानदार लपेटे वाले मसालेदार काले चने। मेरी तो दुर्गा माँ के लिए भोग की सारी तैयारी हो गई है। ये काले चने रेडी है, यहाँ सूजी का हलवा रेडी है, जिसकी रेसिपी मैं पहले ही अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप उसे फॉलो कीजिएगा, बहुत यम्मी बनता है। और यहाँ मैंने पूड़ी का आटा लगा लिया है, जो कि है गेहूँ का नॉर्मल आटा, जिसमें मैंने सिर्फ घी का मोयन और नमक डालकर थोड़ा सा टाइट गूंधा है। तो चलिए जल्दी से माँ के भोग की नेक्स्ट तैयारी में इसके भी बेल लेते हैं पूड़ियाँ, गोल गोल यमी और फूली हुई। तो यहाँ मैंने पूड़ियों को बेलना स्टार्ट कर दिया है, और ये देखिए ये गर्मा गर्म पूड़ी। तो देर किस बात की है, गर्मा गर्म पूड़ी है, काले चने हैं, और यमी सूजी का हलवा है। ये यमी काले चने की रेसिपी लेकर माँ के आगे मैं चली सूजी का हलवा और पूड़ी के साथ भोग लगाने। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसे लगे आपको लपेटेदार काले चने की रेसिपी। मैं जल्द हाजिर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय माता दी।